बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में कोविड अपडेट के साथ आपको बता दें कि देश में 24 घंटे में कोरोना के 68,898 नए मरीज मिले हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 983 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना के 29,05,824 कुल संक्रमित मरीज पहुंच चुके हैं। इसी के साथ 29 लाख के पार पहुंच गया है आंकड़ा। देश में 6,92,028 कोरोना के फिलहाल एक्टिव केस हैं। वहीं 21,57,947 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है, स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अब तक देश भर में कोरोना से 54,849 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो कोविड 19 अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 68,898 नए केस सामने आए हैं, नए मरीज मिले हैं। देश में 24 घंटे में आपको बता दें कि 983 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है। तो लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। शंकर, लगातार देश में कोविड 19 का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। कल 69,000 से ज्यादा केस सामने आए थे, वहीं आज 68,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। बिल्कुल अदिति, देखिए ये जो संख्या है यानी कि नए कोरोना मरीज की जो संख्या है लगातार बहुत तेजी से रफ्तार के साथ बढ़ती जा रही है। और देखिए तो पिछले अगर 15 दिनों की बात करें तो 15 दिनों में ही 50,000-55,000 से लेके करीब करीब देखिए तो 70,000 तक ये केसेज आए हैं। तो ये निश्चित तौर पर है सरकार के लिए चुनौती है, और अलग अलग राज्यवार अगर बात करें तो वहाँ की राज्य सरकारों के लिए भी चुनौती है, क्योंकि इस तरह से लगातार जो है कोरोना के जो नए मरीजों की संख्या है बेतहाशा कहें बढ़ती जा रही है। हालांकि इसमें जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं अदिति, की राहत की खबर इसके साथ ये है कि रिकवरी रेट जो है अगर पूरे भारतवर्ष की अगर बात कर रहे हैं अदिति तो करीब करीब 73% तक पहुंच गई है जो ऑल ओवर इंडिया का जो रिकवरी रेट है। तो ये एक अच्छी इसमें खबर है, लेकिन ये जरूर है कि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे भी इस पे काबू पाया जाए, लेकिन फिलहाल जो है पर दिन जो है ये नए मरीजों की संख्या है 50,000 लेके अब कह सकते हैं कि 70,000 पहुंच गई है। ये बड़ी संख्या होती है कि इस तरह से इतने सारे नए मरीजों का सामने आना, तो निश्चित तौर पे है चिंता भी लगातार बनी हुई है। तो लोगों को भी इसमें देखिए अदिति तो जरूरत है कि अभी भी इसकी लापरवाही बरतें। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कितने केसेस राजधानी दिल्ली में सामने आए हैं, क्योंकि दिल्ली में कहीं ना कहीं हालात जो है बीते कुछ दिनों में काबू में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, राजधानी में 1200 केसेज पिछले 24 घंटे में ये देखिए सामने आया है। वही यहाँ पे कुल अगर मरीजों की संख्या कहें अदिति तो करीब 1,55,000 के आसपास पहुंच गई है। हालांकि यहाँ पे सबसे अच्छी खबर यही है कि दिल्ली में जो है रिकवरी रेट करीब करीब 90% तक बना हुआ है। तो ये एक बड़ी ही राहत है दिल्ली के लिए, क्योंकि देखें तो इसी को आधार बना के दिल्ली सरकार जो है लगातार जोर शोर से पूरे देश भर में उपचार कर रही है कि दिल्ली का जो मॉडल है वो सबसे बेस्ट मॉडल साबित हुआ है कोरोना को लेकर। ये जरूर है कि बीच में स्थिति काफी खराब हुई थी, लेकिन फिलहाल राजधानी राष्ट्रीय राजधानी की बात करें अदिति तो यहाँ पे स्थिति काबू में नजर आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि 1,000 के आसपास नए मरीजों का सामने आना ये संख्या लगातार यहाँ बरकरार है। अदिति, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर।